टीवी, सच साहस सरोकार। लाल किले पर पहली बार स्वदेशी होइट्ज़र 21 तोपों को दी जाएगी सलामी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति की लेंगे शपथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति को दिलाएंगी शपथ। पीएम ने 5 अगस्त के दिन कांग्रेस प्रदर्शन पर साधा निशाना, पीएम ने बयान पर प्रियंका का पलटवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने भी देशवासियों को दी बधाई। सेना कैंप में घुस रहे 2 आतंकी ढेर, इस हादसे में 3 जवान हुए शहीद। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सोनभद्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा रेणुकूट मुरधावा मोड़ से निकलकर रेणुकूट पुलिस चौकी चौराहे होते हुए पिपरी चौराहे पर खत्म हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता के जय के नारे भी लगाए गए, साथ ही साथ नारे के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान द्वारा पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो एक पर्व की तरह देखा गया। इस बार हर एक संस्था में, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो स्कूल विभाग हो, चाहे वो हर घर में, हर घर का एक बच्चा रेणुकूट से निकल के तिरंगा यात्रा में आया और इतना बड़ा सफल कार्यक्रम कराया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ भव्य और गरिमामयी बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने अमृत महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम की रियल टाइम रिहर्सल 13 अगस्त को आयोजित की है। आपको बता दें कि इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 75 समूहों का चुनाव किया गया है। देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर मितौली में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री ब्रजेश सिंह ने बाइक तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने युवाओं को तिरंगा झंडा प्रदान कर तिरंगा रैली में सहयोग दिया। देश की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उन्हें सम्मान दिए जाने की बात कही। साथ ही रैली में शामिल समस्त समाज सेवियों का भी आभार व्यक्त कर युवाओं को देश और समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने को कहा। वर्ष में जो है बाइक रैली का जो है आयोजन किया गया है। इस बाइक रैली का आयोजन मुकौली मंडल के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुधांशु द्वारा निकाला गया है। इसके साथ में क्षेत्र के बहुत ही समाज सेवी लोग साथ में जुड़े रहे हैं, जिनका मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। हम लोगों के द्वारा जो संदेश जाएगा, इस संदेश के द्वारा हमें लोगों को जागृत करना है कि देश की आज़ादी जिन लोगों ने दिलाई है, उन लोगों को हमें सम्मान दे। खबर गोंडा से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने अमर शहीद विश्वनाथ तिवारी को याद करते हुए उनके परिजनों के साथ वृक्षारोपण किया, साथ ही उनके परिवार को सम्मानित भी किया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को अभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया और सभी ग्रामीणों को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूक भी किया। फिरोजाबाद पुलिस लाइन के सामने हाईवे पर भोजन की थाली हाथ में थामे एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। वीडियो में सिपाही मेज में खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए फूट फूट कर रोया। उसने कहा कि वह 2 दिन से भूखा है, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी जानकारी प्रतिसार निरीक्षक को हुई तो तत्काल फोर्स भेजकर सिपाही को पुलिस लाइन लाया गया। एसएसपी ने मामले की जाँच सीओ लाइन हीरालाल कन्नौजिया को सौंपी है। वही सिपाही हाईवे के डिवाइडर पर बैठकर थाली से रोटी उठाकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगा। वही लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा कि इस रोटी को जानवर भी नहीं खा सकते।
संवाददाता संजीव, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। संजीव, क्या कुछ पूरा मामला है ये भोजन को लेकर जिसपे सिपाही ने जिसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं? देखिए, ये एक आरक्षी है मनोज कुमार, उसने जब वो ड्यूटी खत्म करके अपनी जब खाना लेने गया तो वो जो दाल थी उसमें मतलब पानी ज्यादा था, उस चीज को लेके वो थोड़ा व्यथित हो गया। उसने वहां रो रो के सब अधिकारियों से गुहार लगाई और उसका ये भी कहना है कि जब मैं इस चीज की कभी शिकायत करता हूँ तो वहाँ जो प्रतिकार निरीक्षक हैं, जो RI होते हैं पुलिस लाइन में, वो उनसे कहते हैं कि अगर तुमने इस चीज की कोई भी शिकायत की तो मैं तुम्हें बर्खास्त करवा दूंगा। जी, तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस मामले पर? देखिए, इसमें जो जांच है वो CO लाइन जो है हीरालाल कन्नौजिया, उनको सौंप दी गई है और उसमें उसके खिलाफ एक 15 उसके खिलाफ आरक्षी की, जो आरक्षी है उसके खिलाफ एक रूटीन जारी किया गया है यूपी पुलिस की तरफ से, फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से, जिसमें उसे 15 पॉइंटों में गैरहाजिर अनुपस्थित दिखाया गया है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें 12 नंबर पॉइंट और 13 नंबर पॉइंट तो एक ऐसे पॉइंट हैं जिसमें उसे LWP दिखाया गया है और वो 14/11/2022 जो डेट अभी तक आई नहीं है उस डेट को उसको LWP दिखाया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संजीव। बुलंदशहर के शिकारपुर में राधा रानी हॉस्पिटल पर नवजात शिशु के परिजनों ने लापरवाही बरतने और नवजात शिशु की जान लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि डिलीवरी के समय डॉक्टरों ने महिला के साथ मारपीट की और डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाना पुलिस से की है। हमने पैसा जमा करे 10,000 रुपये पहले करे हमें जमा, जब प्लेट चढ़ो उसके वहाँ मेरी गंभीर हालत इन्होंने ये ना कही हमसे कैसा ले जाओ अपनी बहू, यकी हालत ज़्यादा खराब हो रही है आज के, नॉर्मल हो जाओ नॉर्मल, पूरी रात हम चक्कर में रखे हमने और पूरा दिन हमें 2 बजे बोले कि ऑपरेशन होएगा इसका और जब नॉर्मल में जो डिलीवरी होने जा रही कि ऑपरेशन होएगा, हम बोले हमें चाहिए जच्चा बच्चा दोनों, क्या पैसा जमा करो, मैंने पैसा जमा करे इसको 20,000-30,000 रुपये जमा करो मैंने यहाँ जी डॉक्टर को, डॉक्टर से भी हाथ जोड़ के, लेकिन मेरे को दोनों चाहिए जच्चा और बच्चा दोनों चाहिए। लड़के की घरवाली के लिए डिलीवरी तो लेके आए थे, उसके दर्द था और उसको दिखाने के लेके आए थे, दिखाने पे लाने पे डॉक्टर साहब बोले कि जिसके पानी और ब्लड की कमी है, डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपये मांगे, 10,000 रुपये दिए, बोले कि पानी और ब्लड की कमी है, इन्होंने वो पूरी करी, हम बोले कि घर ले जा रहे हैं, इन्होंने रोक लिया उसको, नहीं जान दिया घर। इसी प्रकरण में कागज चेक किए गए तो कागज प्राप्त नहीं हो पाए, इसी उससे उनका OT सील कर दिया गया है। ठीक है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन में कागज पूरे कर लेंगे, अगर कागज पूरे कर ले तो सही बात है, नहीं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवजात शिशु की मौत हुई उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में हमारे पास कोई अभी को लिखित में हमारे पास कोई। संवाददाता विशाल, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, नवजात शिशु की मौत का क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र कस्बे का मामला है, जहां शिकारपुर में अवैध अस्पतालों में भरमार अवैध अस्पताल है, जिसमें नवजात शिशु के जन्म की रोटी मोटी रकम कमाई जा रही है, मानव जीवन किया जा रहा खिलवाड़, जिसमें की संचालक पर लापरवाही के बरतने का आरोप भी लगाया गया है परिजनों द्वारा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विशाल। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रेलवे रोड पर एक दबंग महिला की दबंगई देखने को मिली, जहां एक फल का ठेला लगाने वाले मजदूर का पहले तो महिला ने ठेला फेंका और उसके हाथ में मौजूद मोबाइल भी छीन कर तोड़ दिया, जिसके बाद महिला ने मजदूर की जमकर पिटाई की। वहीं इस मामले पर पीड़ित का कहना है कि फलों का पैसा मांगने पर महिला भड़क गई और उसके साथ मारपीट करने लगी, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमने कहा था उन्हें 2.5 किलो सेब लिए, 2.5 किलो सेब लेने के बाद में उन्होंने 2 सेब एक्स्ट्रा उठा के रोड डाल लिए, उनने मना करा, उन्हें बच्चे पे हाथ छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? तो उसमें उनने बच्चे पे हाथ छोड़े चले गए, उन्हें जागरूक करे उसका मोबाइल दे दिया, सारे सेब पलट हुए ढकल दिए। ये कहाँ की थी महिला, कोई पता चली? महिला की मोबाइल में सेब के पैसे नहीं दे रही थी,
पैसे दे रही थी, दो सौ एक्स्ट्रा लिए थे, उनके पैसे नहीं दे रही। इस बात को लेकर विवाद हो गया। हाँ तो क्या हुआ, पुलिस आई है मौके? पुलिस आई है, पुलिस ले रही है दोनों को, साइकिल वाले को भी, इसने मोबाइल तोड़ा उसको। खबर हो रही है केरवा कटरा के ग्राम गुलालपुर की है, जहां कंटेनर ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी और भेड़ बकरियों के ऊपर कंटेनर चढ़ाते हुए निकल गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं और मेरी करीब 35 भेड़ मार दी। किसने मार दी? कंटेनर वाले, कंटेनर ड्राइवर, इतना दारू में नशे में था। तो क्या गाड़ी पकड़ गई? वो गाड़ी पकड़ गई, चौकी बढ़ने वाली श्रमदान पर जा रहे थे लेंट डार के गांव पर, तो यहाँ से आए, कंटेनर टक्कर मारा, कच्ची गाड़ी खड़ी थी मेरी, कच्ची गाड़ी मसा का टक्कर मारा, सब फूट दिया, लेबर वेबर का चोट थोड़ी आ गई, चोट हो गई। कहाँ से लेंट डाल के आ रहे थे? बिदुना से, फिर आगे से भेड़ों के से टक्कर मार दी जाए। क्या कंटेनर पकड़ गया अभी? हाँ जी, श्रमदान बड़े पकड़ो जा करते। तो आपने थाने में सूचना दी क्या? सूचना सब लोगों ने दी ना थी, सब लोगों ने फोन वाला आया, उसने पीछे से टक्कर मार दी। किसको? मेरे भाई को। क्या नाम है भाई का? सहदेव। सहदेव, क्या कंटेनर पकड़ गया? पकड़ गया, पकड़ गया। उसके ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर पकड़ गया, बहुत नशे में था। तो आपने थाना एरवा कटरा सूचना दे दी? 7:30 बजे थाना एरवा कटरा क्षेत्र में गांव गुलालपुर के पास रोड पर एक कंटेनर के द्वारा कुछ भेड़ों को दबाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, दबने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके कंटेनर चालक एवं कंटेनर को हिरासत में ले लिया गया। लगभग 3 घंटे बाद 10 बजे के लगभग पुनः सूचना मिली कि एक व्यक्ति झाड़ियों के पास उसकी बॉडी पड़ी हुई है, जिसमें मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। कुछ ग्रामीण आक्रोशित थे, जाम लगाने की स्थिति बनी हुई थी। ग्रामीणों को समझा बुझा करके उनके द्वारा तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। अब देखिए खास खबरों में, इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।